कैसा लगा है मेरा अचार, आप भी बनाना खाना, और खाने के बाद मुझे मेरे कमेंट करना, मेरे कमेंट में लिखना मेरे वीडियो के बाद कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। मैं उषा पटेल, आपकी गार्डनिंग दोस्त। केम छो, बड़ा मजा में? तो चलो आज मैं आपको कुछ यूनिक दिखाती हूँ। अचार तो आप लोगों ने बहुत सारे खाए होंगे, लेकिन हमारे आपको पता होगा हमारे गुजराती में तो अचार मतलब कैरी का छुंदा, कैरी का मुरब्बा, कैरी का अथानू, बस वही अचार होता है। लेकिन आज मैं आपको जो अचार दिखा रही हूँ एकदम से यूनिक, आपने कभी नहीं खाया होगा, नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा। तो आज मैं किसका अचार बनाते हैं आपको सिखाती हूँ, वेजिटेबल का। इसमें मैंने गाजर ली है, फ्लावर्स ली है, बटाना है, मूली भी डाल सकते हो, और है इसमें देखो ये आदू और इतने सारे सूखा लहसुन है, मैंने छिल के रख दिया है, और ये थोड़े से मिर्ची है ग्रीन एंड रेड। तो अब मैं आगे आगे क्या करती हूँ आप देखो, और मैं कैसे आपको अचार बनाना सिखाती हूँ। मैंने देखो इसको सब्जी को अच्छे से पानी में धो देना है, और फिर हम आगे मैं क्या करती हूँ आप देख लो। तो देखो मैंने ये सब्जी 500 ग्राम जितनी ली है, आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए इतनी आप सब्जी ले सकते हो, और मैंने सब्जी को अच्छे से वॉश कर दिया है, दो तीन पानी में मैंने डाल के फ्रेश एकदम से मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है। अब हम क्या करेंगे उसको, ये पानी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है, और इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा नमक, पूरा जितना अचार में नमक चाहिए इतना नहीं डालने का है, हमारी सब्जी में थोड़ा सा नमक आ जाए और जल्दी से सब्जी बॉईल हो जाए, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है। और हम पार इसको बॉईल करेंगे, तो कितना करना है जैसे सब्जी बनाना है ऐसा नहीं, पार बॉईल करना है, पार बॉईल करने का है, नहीं कच्ची रहनी भी चाहिए और नहीं उसको एकदम से पक्का भी नहीं देनी है, मतलब आधी सी ऐसी लग जाए कि हम इसको खाए तो ऐसा नहीं लगेगी कच्ची है, और पक भी नहीं जाए ऐसी भी नहीं बनाए, बस खाली पार बॉईल करना है उसको। और देखो हम पानी गर्म होने लगा है, मैं इसमें डाल दूंगी, और अकेली सब्जी ही गर्म पानी में डालना है, ये आदू लहसुन मिर्ची किसी को भी गर्म पानी में डालना नहीं है, उसको ऐसे कच्चे ही रखना है, अकेली सब्जी को हमें पार बॉईल करना है। तो देखो फ्रेंड हमने हर सब्जी को 10 मिनट बॉईल किया है, और इतनी बॉईल नहीं कर दिए ज़्यादा, थोड़ी कच्ची है, तो आप बस अब गैस बंद कर देंगे हम, आप देख सको अपने आप ऊपर आ गई है, लेकिन आधी कच्ची है और आधी पक गई है। इसको हम क्या करेंगे अब तुरंत निकाल देंगे, और हमने तुरंत जैसे उबलने लगी है 9 से 10 मिनट हमने उबाली है, बस देखो ऐसे मैं करती हूँ तो ऐसे ऐसा नहीं लगता कि पक गया, देखो इतना जल्दी से टूटता नहीं है, मतलब ऐसा आपको पकाना है, नहीं तो फिर आप अथानू खाएंगे तो आपको मतलब अचार तो आपको ऐसा ज़्यादा पक जाएगी तो आपको ऐसा लगेगा कि सब्जी खा रहे हो, आपको अचार जैसा नहीं लगेगा। और जैसे ही इसमें से पानी निकल जाए अब हम इसको ठंडा कर देंगे एकदम से कपड़े में, तो इसमें से पानी बिल्कुल निकल गया है, अब हम इसको एक कपड़े में ले लिया है, और हम बहुत गर्म है, एक 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 करके हम सबको अलग कर देंगे, और ऐसे पूरी रात भर हम उसको ऐसे सुखा के छोड़ देंगे सुखाने के लिए। अभी हम रात में बना रहे हैं, रात में 9 बजे हैं, और हम उसको पूरी रात में सुखा के कल सुबह में आपको दिखाते हैं। कल रात में मैंने आपको बताया था 9 बजे मैंने उसको पानी में उबाल के और बॉईल करके पूरी रात मैंने सुखा दिया है, अभी सुबह के 10 बजे हैं, मतलब 12 घंटे से 13 घंटे हो गए, और ये सूख के अच्छे से कपड़े में तैयार मैंने रखा था, इसको देखो सूख गया है। अब हम आगे छौंका लगाएंगे उसका, तो मैंने इसे सरसों का तेल लिया है, सरसों के तेल के अंदर मैं क्या डालूंगी पहले ये है, तो इसमें सभी क्या है सबसे ज़्यादा वो है कलौंजी, मतलब प्याज के बीज, जो कलौंची गुजरात वाले पता नहीं होगा लेकिन बाहर वाले को तो पता है कलौंची है, थोड़ी सी जीरा है, फिर आखा धनिया है, सौंफ है,
ऐसे खड़े मसाले हैं हमारे घर में जो होते हैं, तो लविंग, इलायची, ये सब खड़े मसाले हैं। थोड़ा सा भून के मैंने ये मसाला तैयार करके रखा है, तो मैं पहले इसमें ये मसाला डालूंगी। तो मैंने इतना डाल दिया है, तेल गर्म हो गया है, मैं बंद कर दूंगी। और इसमें मैं पहले डालूंगी थोड़ा सा ये आलू, और ये डालूंगी इतने एक, ये मैंने लहसुन लिया है, और ये मिर्ची है। क्योंकि ये कच्चा है तो थोड़ा सा पक जाएगा। और कुछ करना नहीं है, बस ये थोड़ा सा हल्का सा पक जाए। अच्छी स्मेल आ रही है, और स्मेल भी इतनी अच्छी आ रही है इसमें से, कलौंची की, हींग है, सौंफ है, जीरा है, और अजमा है, फिर तज है, थोड़ा लविंग है। ये सभी मैंने खड़ा मसाला भी इसके साथ मैंने ये मसाला तैयार करके रख दिया है। मैंने गैस धीमा कर दिया है, तो मैंने दो से ढाई मिनट तेल गरम करके 2 से 2.5 मिनट इसमें उसको पकाया है, बस देखो, और बंद कर दिया है। और अब इसमें डाल देंगे ये जो बॉईल किया हुई सब्जी है। इसमें आप अपनी मनपसंद की और सब्जी भी डाल सकते हो, जैसे मूली है, कैरी भी डाल सकते हो ना, कैरी भी डाल सकते हो। तो मैंने पार बॉईल की हुई मेरी सब्जी मैंने डाल दी है, देखो। अब मैं अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी। ये अचार आपको एक साल, पूरा साल तक रहता है, लेकिन आप उसको फ्रिज में रखना पड़ेगा। मुझे तो इतना पसंद आता है, मैं हर रोज रोटी के साथ उसको खाती हूँ। अब मैंने गैस तो बंद ही कर दिया है, ये ख्याल रखना कि गैस को चालू नहीं रखना है। और अब हम डालेंगे इसमें अचार मसाला, जो रेडी आता है, रामदेव का, गणेश का, आपके यहाँ जो भी रेडी पिकल मसाला मिले वो आपको लेना है। और आपको जितना गाढ़ा मसाला, ज़्यादा मसाला चाहिए अपने स्वाद के अनुसार, नमक मतलब तीखा, मैं 200 ग्राम लाई हूँ तो मैं इसमें 50 से 60 ग्राम जितना डालती हूँ। और नमक डालना है इसमें बस, और कुछ नहीं करना है। आप इसमें नींबू भी डाल सकते हो, कच्चा नींबू इसमें ऊपर से आप डाल सकते हो, छोटा छोटा पीस करके, देखो। फिर मैं आपको तैयार होता है तो बताती हूँ। नमक डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार, आप नमक डालना, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखो फ्रेंड, मैंने आपको सुबह में बताया था कि तभी मैंने इसको मसाला किया था, तभी 10:30 बजे थे, और अभी बजे है 1, तो 1 बजे मतलब अब मेरा अचार एकदम से तैयार हो गया है और ठंडा भी हो गया है। और मैंने जो मसाला डाला था इसमें ऑलरेडी नमक बना हुआ था, पड़ा हुआ था, तो आपको एक्स्ट्रा नमक ऐसे डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यह मेरा अचार तैयार हो गया है, अब हम उसको अपनी उसकी जगह में रख देंगे। अब दो अभी भी खा सकते हो, तुरंत भी खा सकते हो, लेकिन 2-3 दिन हो जाएगा, बाद में आप खाना का शुरू करोगे तो अच्छे से अंदर मसाला भर जाएगा और अच्छे से इसमें टेस्ट आने लगेगा। और आप फ्रिज में रख के उसको पूरे साल तक खा सकते हो, बना के फ्रिज में रख देने का। देखो मेरा यूनिक अचार बन के रेडी हो गया है, आपने देखा मेरा कैसा लगा है मेरा अचार। आप भी बनाना खाना, और खाने के बाद मुझे मेरे कमेंट करना, मेरे कमेंट में लिखना मेरे वीडियो के बाद कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और मेरे वीडियो पे जो भी न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।